पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में, जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था। हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं वो युवा है, अभी भी गठन की प्रक्रिया में है, जहां जीवन अभी तक नहीं बन पा। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया, ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। इस टक्कर से पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई, अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा, ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गिरा। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। जब ये खुरदुरे चट्टान धरती के चारों ओर घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। एक महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। चांद का जन्म हुआ, बिल्कुल सही, सिर्फ एक महीने में बना था हमारा चांद। ये है आज का चंद्रमा। सोचकर अचरज होता है कि एक भयानक टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से ही धरती पर जीवन पनप सका। आघात ने धरती की धुरी को झुका दिया, जिससे ऋतु परिवर्तन हुए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा बना। तब से लेकर आज तक हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्करों में शामिल है हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्करों पर। सूर्य एक नक्षत्र है, रात को दिखने वाले दूसरे तारों जैसा, बहुत पास है इसलिए अलग दिखता है, एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड, लेकिन सूर्य में कुछ भी सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं, सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना, सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है क्योंकि सूरज पर यह सबसे ठंडे स्थान है, तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का सूर्य तो और भी गर्म है। दूसरे नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म कणों यानी प्रोटॉन के टकराव से निकलती है। हर सेकंड सूर्य में असंख्य प्रोटॉन टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे स्थिर देखा? सौर आंधी का बादल
उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। सौर पवन का झोंका हर दिन हर पल सौर मंडल के ग्रहों के पार जाता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौह अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है, कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। परिणाम देखने लायक होता है, शानदार जगमगाते रंगीन पर्दे। इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। सौर पवन और सौर आंधी से निकले आवेशित कण जब धरती के ऊपरी वातावरण से टकराते हैं तब वातावरण में मौजूद गैस आलोकित हो उठते हैं। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती की निचली कक्षा में परिक्रमा करता है। महाकाश में जाकर ध्रुवीय ज्योति को देखने वाले कम ही हैं। जिस टक्कर के कारण ये ज्योति निकलती है वो धरती की सतह से 100 से 480 किलोमीटर के बीच होती है, जहाजों के उड़ान पथ से भी ऊंचा। और होता है हमारी धरती का सबसे अनोखा प्रकाश उत्सव। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानि रहित नहीं होता। उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के प्रारंभिक 20-30 लाख वर्षों में जब ग्रह बन रहे थे तब जो चट्टान और धातु के टुकड़े छूट गए उनसे बने एस्टेरॉयड। ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्ष में घूमते हैं जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ और भी करीब हो सकते हैं। किसी भी साल लाखों में एक मौका हो सकता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक टकराया था। ये लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ रहा था सीधा पृथ्वी की ओर। लेकिन हम जिसे जानते हैं तब पृथ्वी ऐसी नहीं थी। मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले जब विशालकाय डायनासोर्स घुमा करते थे यहां, उनके दुर्भाग्य से सब बदलने वाला था। आज जहां मेक्सिको है ये एस्टेरॉयड वहां टकराया, आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई वातावरण गर्म हो गया, प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान गर्म। चारों ओर
धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखीय विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपाई भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो यह है कि वो टक्कर ना होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है, अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं, छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं। उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास से उड़ाएं, तो स्पेसक्राफ्ट का लघु गुरुत्वाकर्षण भी एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड दूसरे गति पथ में चला जाएगा और क्रमशः पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चला जाएगा। कुछ 100 मील की दूरी भी काफी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। आज ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन सही लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी दिन आप में से कोई एक और बेहतर उपाय सोच लेगा, जो महाकाश के इन अजूबों से धरती की सुरक्षा कर पाएगा। हम जानते हैं कि एक टक्कर से चंद्रमा का जन्म हुआ और वो टक्कर आज हर रोज सूर्य को ईंधन देता है। हमने देखा टक्कर ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। हमने सीखा हम कैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सब कुछ यहीं पर घटित हुआ, पास के महाकाश में। लेकिन बाकी ब्रह्मांड का क्या और भविष्य का क्या? महाकाशीय टक्करों का क्या असर होगा हम पर? हम आकाश गंगा से आगे बढ़ते हैं, जो हमारे सौर मंडल का घर है। ये आकाश गंगा हजारों अरबों नक्षत्रों और खरबों दूसरे ग्रहों का, साथ साथ गैस और धूल के विशाल समूहों का भी घर है। गैलेक्सी के नक्षत्र एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि टकराने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन अपवाद तो होते ही हैं। चलिए हमारी गैलेक्सी के मुहाने पर पल भर ठहरते हैं। जो नक्षत्र हमारे पास से गुजर रहे हैं वो गोलाकार समूह का हिस्सा है। यहाँ सभी तारे ऐसे ठूंसे हुए से रहते हैं कि कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता, यहाँ भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। चलिए हम आकाश गंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वालोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड के भविष्य में क्या है। भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं हम, पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। देखिए आकाश गंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है। आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है।
ये दो विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमकर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। नजरें मिलाकर कभी पास आएंगी, कभी दूर जाएंगी। इन गैलेक्सियों में नक्षत्र और ग्रह दरअसल टकराते नहीं है, ये बहुत दूर होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पास आकर गुजर जाएंगे, आपस में टकराएंगे गैस और धूल, जिनसे दोनों गैलेक्सी भर जाएगी। और ग्रह होगा ये कि आज से अरबों वर्ष बाद आकाश गंगा और एंड्रोमेडा मिलकर नई विशाल गैलेक्सी बन जाएंगी। गैलेक्सी की टक्करें उनके जीवन की सामान्य बात है। सच तो ये है कि हमारी गैलेक्सी भी दूसरी छोटी गैलेक्सियों की टक्कर से बनी है। इन टक्करों के बिना आकाश गंगा का अस्तित्व नहीं होता और शायद हम भी नहीं होते। महाकाश की अचरज